हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ढाबे से भी अच्छी मटन करी घर में बना सकते हो, वो भी बहुत ही कुछ सिंपल स्टेप से। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपको अच्छी मटन करी बनाना हो तो। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीस किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए मटन। मैंने यहाँ पे 1 केजी मटन ली है और इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बड़े चम्मच हम डाल देंगे इसमें जीरा पाउडर, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़े चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ मैं। अगर आपको तीखापन कम पसंद होना तो आप इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, ये बस कलर के लिए है, इसमें तीखापन ना नाम के बराबर ही होती है। और साथ ही में मैं यहाँ पे डाली हूँ थोड़ी सी मीट मसाला, आप बिरयानी मसालों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। टमाटर डालने हैं दोस्तों 1 मीडियम साइज़ के, और आलू ये ऑप्शनल है, मुझे आलू पसंद है मटन करी में इसलिए मैंने डाल दी है। थोड़ी सी नमक डालनी है स्वाद के अनुसार, और डालनी है थोड़ी सी हल्दी पाउडर, मतलब कि 1 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, और आपको डालनी है सरसों का तेल। ये जो सारे मसाले हमने डाले हैं ना, जो सरसों के तेल अच्छे से इसको कंबाइंड करके रखेगी। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा दही भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन दही को अच्छे से फेंट के फिर डालना। उसके बाद हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये जो रेसिपी मैं आज आपको बता रही हूँ ना दोस्तों, ये मेरी नानी दादी की रेसिपी है। दोनों ही बहुत ही अच्छी मटन करी बनाती थी, और उनका जो फ्लेवर होता था, जो टेस्ट होती थी, वो क्या होती थी मैं आपको क्या बताऊँ। तो बस इसी तरह से मैरिनेट करके बस आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देनी है, और इसके बाद सीधा चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे एक पैन या फिर एक कढ़ाई में आपको लेने हैं सरसों का तेल, ज़्यादा तेल नहीं लेनी है, जितना आप प्याज फ्राई कर सको। उसमें डालने हैं थोड़े से मसाले, जिसमें है 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 लौंग और 3 हरी वाली इलायची। इन सारे मसाले हम तेल में डाल देंगे, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेंगे। मसाले सारे बेसिक ही है, लेकिन जो फ्लेवर आएगी ना और जो टेस्ट आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो बस जैसे ही वो सारे खड़े मसाले फ्राई हो जाएंगे, इसमें आपको डालनी है प्याज। प्याज को बारीक काट के डालनी है, पेस्ट बना के नहीं डालनी है। पेस्ट बना के जो मटन करी बनेगी उसका टेक्सचर अलग होगा, और जो आप इस तरीके से चॉप्ड करके डालोगे तो उसका जो टेक्सचर है वो भी अलग होगा, बिल्कुल अलग। तो प्याज को जल्दी भूनने के लिए आपको डालने हैं थोड़े से नमक, और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और फ्लेम को हाई पे रखते हुए आप इसको तब तक पकाना जब तक प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। प्याज यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं दोस्तों, इसका कलर भी चेंज हो गई है। अभी हम इसमें डाल देंगे अपने मैरिनेट करके रखी हुई मटन को, और वो जो ड्रिपिंग है ना उसको भी छोड़ना मत, उसको भी पूरा लपेट लेना। ड्रिपिंग में भी बहुत सारे फ्लेवर है, सारे के सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो तो इसी में है ना। अभी फ्लेम को आपको रखनी है मीडियम पे, और इस तरीके से हम पकाएंगे। जो मसाले हमने मटन में अच्छे से मिक्स करी थी ना, तो उसका फ्लेवर अब एनहेंस होगा, क्योंकि वो मसाले अब भूनेंगे। मसाले जब तक भूनते नहीं है ना, उसका फ्लेवर नहीं निकलती है। तो बस इस तरीके से हम मिक्स करने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे। 4-5 मिनट के बाद ढक्कन को खोल के हम इसको फिर से पकाएंगे। इस तरीके से हम उलट पुलट कर देंगे, और उसके बाद फिर से हम इसको ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट। और इस तरीके से आपको रिपीट करनी है 3 से 4 बार, मतलब कि पलटना है, फिर से ढकनी है, ढक के 4-5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देना है, उसके बाद इसको फिर से खोलना है 4-5 मिनट के बाद, फिर से पलटना है, फिर से ढक के 4-5 मिनट के लिए छोड़ देनी है। इस तरीके से आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है। ढक ढक के पकाने से होता क्या है दोस्तों, मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अंदर ही रहती है, वो भाप बन के उड़ नहीं जाती है। और इसी के साथ में मटन या फिर चिकन कुछ भी हो,
अंदर से अच्छे से पकती है और मसालों का फ्लेवर ना अंदर तक जाती है। तो बस यही एक रीज़न है जो ढक ढक के पकाना, और भी एक रीज़न है, आपका गैस भी बचता है। तो बस इस तरीके से मैंने 3-4 बार रिपीट करी है, अगर आपने नोटिस करी होगी तो। और आलू जो मैंने आपको पहले ही बताई है कि आलू अगर आप चाहो तो डाल सकते हो, चाहो तो इसके बिना भी बना सकते हो। और आप देख भी सकते हो दोस्तों कि मसाले ने और मटन ने तेल छोड़ दी है, तो हमें इस हद तक पकानी है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ देती है ना, हमें तब तक पकानी है। और जैसे ही ये तेल छोड़ देगी तभी आपको इसे ट्रांसफ़र करनी है एक प्रेशर कुकर में। और अगर आपको प्रेशर कुकर में पकाना नहीं है तो आप कढ़ाई में ही ढेर सारा पानी डालना और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको ढक के छोड़ देना कम से कम 30 से 35 मिनट तक। तब तक मटन अच्छे से पक जाएगी। और प्रेशर कुकर में पका रहे हो तो अपने हिसाब से पानी डालना, मतलब कि जितना ग्रेवी आपको चाहिए ना उतना ही पानी डालना, क्योंकि प्रेशर कुकर में जितना पानी आप डालते हो उतना ही रहता है। तो बस नमक भी डालनी है अपने स्वाद के अनुसार। और अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन को बंद करके आपको वेट करनी है 5 से 6 सीटी लाने तक। और प्रेशर कुकर के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, अगर प्रेशर कुकर आपका ज़्यादा बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा सीटियाँ लगानी पड़ेगी, अगर छोटा होगा तो कम सीटी में काम बन जाएगा। मटन के ऊपर भी डिपेंड करता है दोस्तों, अगर मटन की जो एज है वो ज़्यादा होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगी पकने में, अगर एज कम होगी तो कम टाइम में पक जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पे 6 सीटी लगाई है और कितनी अच्छी एक कलर आई है ना, देख के ही आपको तो पता लग रही होगी कि ये कितनी अच्छी बनी है। थोड़ा सा चीनी डाल रही हूँ मैं दोस्तों, घबराना मत, चीनी से ये मीठी नहीं बनेगी। बहुत सारे हमने जो मसाले डाले हैं ना उसका एक कड़वापन होता है, तो चीनी उसको बैलेंस करके रखेगी। और थोड़ी सी गरम मसाला भी डाल देना, अच्छे से मिक्स कर लेना। और क्या, ये बिल्कुल रेडी है दोस्तों सर्व होने के लिए, मतलब कि 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देनी है आपको साइड में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हो। चाहो तो रोटी के साथ खा सकते हो, पराठे के साथ, या फिर राइस के साथ। तो दोस्तों आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोस मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूं। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ।